Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Vikar Ahmed, and I hope you are in better position of health. We are today going to discuss about the mental law of segregation. Actually, we are to discuss about the classical genetics. It is a series of lecture in which we discuss different topics, and today it's our fifth topic, and we are going to discuss about mental law of segregation. First of all, we see what's the main statement of this law. This law says that two coexisting alleles of an individual parasite separate during gamete formation. Understand? In such a way that these gametes receive only one of two alleles, while these alleles again unite during the process of fertilization. We can define this whole statement in a very easy way. That's two alleles for a trait of OR. This is a mistake here. First of all, we FO. This is FOR. Okay. This statement shows that two alleles for a trait separate from each other in gametogenesis and reunite in fertilization and care. Let's see what's this law statement. ये law actually बता ये रहा है कि हमारे पास दो alleles हैं, ठीक है? कोई से भी दो alleles जो कि कोई से दो characters को एक character को control कर रहे हैं, जब gametes बनते हैं तो gametes बनने के दौरान वो एक दूसरे को सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, दोनों एलील्स. लेकिन जैसे ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है दोबारा से, तो वो दोनों एलील्स होती हैं, वो एक दूसरे को यूनाइट हो जाती हैं, दोबारा से क्या हो जाती हैं, कंबाइन हो जाती हैं. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ एक्चुअली, ठीक है. नाउ वी डिस्कस दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस सूटेबल एग्जाम्पल. In which we see what are the different explanation. This is a condition in which we see that these two are the parental generation. First parental generation can is the homozygous tall, in which both it is the dominant character, which is the tall and represented by DT. A second one is the homozygous homozygous recessive condition, which is DD. According to this law, ये law हमारे पास क्या कहता है? ये law कहता है जब ये parental जो हमारे पास जो generation है, ठीक है, या ये जब gametes बनाएगी, ठीक है, ये इसने gametes बनाए हैं, तो ये क्या करेगी हमारे पास, ये इसके gametes बनने के दौरान दो alleles, ये एक allele है, ये हमारे पास ये इसकी क्या है, दूसरी allele है. gametogenesis के दौरान इसकी दोनों alleles क्या होंगी, gametes बनने के दौरान सेपरेट हो जाएंगी एक दूसरे से, ठीक हो गया. ये हमारे पास एक्चुअली ये ला कह रहा है, ठीक है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ठीक हो गया. यू मस्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दिस डी कम, ठीक हो गया. अब सेकंड इसका फेज क्या कहते हैं, क्या फेज इसकी कहती है, जब इसने गैमीट्स तो बन गए, ठीक है. अब जब इसकी दोबारा से फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये क्या करेगा कि जो सेपरेट गैमीट्स थे वो दोबारा से रीयूनाइट हो जाएंगे. अब हमारे पास ये डी एक यहाँ से आएगा, एक पेरेंट से आएगा और एक दूसरे पेरेंट से आएगा, तो हमारे पास ये कनेक्टर्स बन जाएगा. मेन पहले तो ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और फिर ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रीयूनाइट हो जाते हैं. दिस इज द ऑल अबाउट मेंटल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब हमारे पास एक और भी ये चीज़ क्या रहा है ला, कि हमारे पास जो जब ये रीयूनाइट होंगे, तो हमारे पास दोनों जो जीन्स हो गए, जो F1 आएगी वो होमोजाइगोस कंडीशन में आएगी, सॉरी हेटेरोजाइगोस कंडीशन में, और हाइब्रिड कंडीशन में हम लोगों को मिलेगी. जबकि F2 जनरेशन में हमारे पास हाइब्रिड भी आएंगे और हमारे पास जो है पेयर जो कि हमारे पास करेक्टर है वो भी खुद को एक्सप्रेस करेगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज होमोजाइगोस पेयर एंड दिस इज हेटेरोजाइगोस हाइब्रिड, दिस वन इज हेटेरोजाइगोस हाइब्रिड एंड दिस इज द होमोजाइगोस रिसेसिव पेयर करेक्टर. दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. वी डिस्कस दिस थिंग विद अनदर एग्जाम्पल एंड बिफोर इट वी मस्ट सी व्हाट्स दिस लॉ एक्चुअली एक्सप्लेन. दिस लॉ एक्चुअली एक्सप्लेन दैट क्या कहता है, ड्यूरिंग गैमीट जेनेसिस गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है,
एलील्स होती हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, जो कि एक खास ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। जबकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो ये रीयूनाइट भी हो जाएंगे, लेकिन किस तरह रीयूनाइट होंगे, जो F1 होगा उसमें ये हाइब्रिड फॉर्म में, जबकि F2 में ये हमारे पास जो है ना होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज दी हाइब्रिड दोनों फॉर्म में खुद को एक्सप्रेस करेंगे। ओके मिस्टर, नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस लॉ। दिस इज दी आवर पेरेंटल जनरेशन, दिस इज वन पेरेंट्स एंड दिस वन इज दी सेकेंड पेरेंट्स। अब हमारे पास एक पेरेंट्स के पास जो पर्पल कलर का जीन है वो है PP, कैपिटल पी कैपिटल पी, एंड दिस वन आल्सो की कंटेन कैपिटल कैपिटल पी। बट जब इसने गैमीट्स बने, यहाँ पे ये गैमीट्स बनाएगा जब, ठीक है, जब ये गैमीट सिंथेसाइज करेगा तो ये हमारे पास दोनों एलील्स जो कि एक ही जीन्स के थे, एक ही पेरेंट्स में मौजूद थे, गैमीट्स के दौरान ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एक गैमीट्स में एक चली जाएगी एक दूसरी। और सिमिलर यहाँ पे भी होगा कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान जो एक जीन के एलील्स होते हैं वो खुद को सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, ठीक हो गया। अब लेकिन गैमीट्स तो बन गए, लेकिन गैमीट्स के बनने के बाद जैसे ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी, F1 आएगी, तो F1 में ये दोबारा से रीयूनाइट हो जाएंगे। अब कैसे रीयूनाइट हुए, एक जीन हमारे पास उसी जीन का जो एक एलील है वो पेरेंट्स से फादर से आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, और दूसरा उसकी मदर से आएगा, और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कंबाइन कर हो जाएंगे, रीयूनाइट हो जाएंगे। सिमिलरली इस केस में दिस वन इज दी फ्रॉम पेरेंट्स फादर एंड दिस वन इज दी फ्रॉम मदर एंड दे अगेन रीयूनाइट। बट थिंग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट्स इन F1 व्हेन दे ऑलवेज रीयूनाइट इन एटीरोजाइगस फॉर्म, ठीक है। F1 में हमेशा जब ये रीयूनाइट जरूर होंगे, लेकिन ये एटीरोजाइगस फॉर्म में होंगे, हाइब्रिड फॉर्म में होंगे, दे डजेंट एक्सप्रेस इट सेल्फ इन ए पेयर फॉर्म आर होमोजाइगस फॉर्म, दे ऑलवेज इन एटीरोजाइगस फॉर्म। बट अगर हम लोग अभी इसी एफ जो हमारे पास आया F1 का हम क्रॉस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज F1, दिस इज फ्रॉम F1। जब हम F1 का क्रॉस F1 से करेंगे तो दोबारा से हमारे पास क्या है, गैमीट्स, जैसे ही ये जीन्स से गैमीट्स बनेंगे इस सेल से, तो ये खुद को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। देख सकते हैं ये हमारे पास क्या था, ए पेयर की फॉर्म में हमारे पास जीन्स मौजूद थे, लेकिन गैमीट्स बनने के दौरान इन्होंने खुद को फिर सेपरेट कर लिया, सेम हेयर, ठीक है। अब जैसे ही हम इनका क्रॉस कराएंगे पीक पी, तो हमारे पास क्या है, ये दोबारा से रीयूनाइट होंगे, लेकिन F2 में जो रीयूनियन होगी वो F1 से डिफरेंट होगी। वो कैसी होगी, दिस इज कैपिटल पी, दिस इज कैपिटल पी, एंड वी टेक ए कैपिटल पी होमोजाइगस कंडीशन हमारे पास एक आ जाएगी, आ गई है। सेकेंड ये हमारे पास है कैपिटल पी एंड दिस इज स्मॉल पी, इट इज़ अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, एंड सेम हेयर हेटेरोजाइगस कंडीशन, बट दिस इज स्मॉल पी एंड दिस वन इज ऑल्सो स्मॉल पी, एंड वी गॉट अनदर ट्रेड विच इज द होमोजाइगस बट इट इज द रिसेसिव। सो इन F2 वी गॉट 3:1 फिनोटिपिकली, बट जीनोटिपिकली वी हैव 1:2:1। दिस इज द एक्चुअली लॉ ऑफ मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विच एक्चुअली सेज दैट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एलील्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, बट ड्यूरिंग डिफर्टिलाइजेशन दे अगेन रीयूनाइट विद ईच अदर। बट इन F1 जनरेशन वी ऑलवेज गॉट हाइब्रिड, व्हाइल इन F2 वी गॉट बोथ द होमोजाइगस एज वेल एज द हेटेरोजाइगस कंडीशंस। दैट्स ऑल अबाउट मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज गिव मी योर कमेंट्स एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल।